नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला है दंगल का। कोरोना के संक्रमण की रफ्तार हर दिन बढ़ती जा रही है। बीते एक दिन में नए केस करीब 1,69,000 के आसपास आए हैं और इसी के साथ भारत कोरोना प्रभावित देशों में अब दूसरे नंबर पर आ चुका है। कोरोना की इस दूसरी लहर को रोकने का उपाय क्या हो? वैसे तो देश के कई राज्यों ने कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं वीकेंड लॉकडाउन जैसे सिस्टम बनाए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोरोना क्या इससे रुक पाएगा? कोरोना बेकाबू है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के टूटने की खबरें सब तरफ से आ रही, इसलिए सवाल है कि क्या जब तक सख्ती नहीं तब तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी? इसलिए दंगल में आज पूछेंगे कि क्या कोरोना को रोकने के लिए देश को फिर से एक लॉकडाउन की जरूरत है। पहले सुनिए, जब आज तक पर देश के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ आए तो उन्होंने लॉकडाउन के सवाल पर क्या जवाब दिया, फिर बताते हैं आज दंगल के मेहमान हमारे साथ कौन कौन। लॉकडाउन कदापि नहीं, लॉकडाउन कोई उपाय ही नहीं है। मध्य प्रदेश लॉकडाउन नहीं करेगा। अर्थव्यवस्था भी ना बैठे, काम धंधा भी चलता रहे, गरीब की रोजी रोटी भी चलती रहे, ये कोशिश हमारी रहेगी। जिन शहरों में ज्यादा है संक्रमण, ये कोई मध्य प्रदेश भर का सवाल ही नहीं है, और लोगों ने तय किया कि हम कुछ गतिविधियां नहीं करेंगे। मैंने शुरू से कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता, लॉकडाउन से और रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कोरोना को स्लो किया जा सकता है। तो अभी दिल्ली के अंदर जो स्थिति है, दिल्ली में अभी फिलहाल हेल्थ सिस्टम हमारा कंट्रोल में है, लेकिन अगर केसेस मान लीजिए कल को बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, और हमारे यहाँ बेड नहीं बचते, हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बचते, आईसीयू नहीं बचते, तो हो सकता है फिर हमें इसको स्लो करने के लिए थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन लगाना पड़े ताकि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को और ज्यादा तेजी से एक्सपेंड कर सकें। लेकिन लॉकडाउन जो है कोरोना का समाधान नहीं है। हम लोगों को जब देश के अंदर लॉकडाउन की आवश्यकता थी उस समय लॉकडाउन आवश्यक था, आज लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम लोगों ने इस बारे में पहले से व्यवस्था बना दी है, पहले दिन से ही हम लोगों ने व्यवस्था कर दी कि जहां 500 से ज्यादा एक्टिव केस जिस जनपद में हो या जिस जनपद में 100 पॉजिटिव केस पर डे आ रहे हैं वहां पर आप नाइट कर्फ्यू लगाइए, यानी कोरोना कर्फ्यू। तो हम बचाएंगे भी, यानी व्यक्ति की के जीवन को भी बचाएंगे और उसकी आजीविका को भी बचाना है। 4 दिन पहले हम बता रहे हैं कि हमको लॉकडाउन करना है, 5 दिन पहले बता रहे हैं लॉकडाउन करना पड़ेगा, और लोगों को विश्वास में लेके कर रहे हैं। अचानक टेलीविजन में प्रकट हुए और उसके बाद लॉकडाउन घोषित कर देंगे तो हड़कंप मचेगा ही। लोगों को विश्वास में लेके यदि कोई काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। यदि बिना विश्वास मिले, राज्यों को बिना विश्वास मिले, समाज को बिना विश्वास मिले, उद्योगपति बिना विश्वास मिले, व्यापारी और कर्मचारियों बिना विश्वास मिले के करेंगे तो वो भयावह स्थिति होगी। जहां तक लॉकडाउन की बात है, जो पिछली बार हमने प्रयोग किया, मुझे लगता है कि उसमें से एक पैनिक ज्यादा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसका कोई समाधान बहुत निकला नहीं है। और अगर पैनिक होने के बाद जो पिछली बार लगातार 3 महीने तक जो स्थितियां बन गई थी, हमारा आर्थिक चक्र सारा रुक गया था, जो प्लान शुरू हो जाता है वैसी स्थिति न आ जाए, क्योंकि वो स्थिति कोरोना के साथ साथ कई बार बहुत भयंकर स्थिति बन जाती है। तो हम चाहते हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति भयानक ना हो, बल्कि अपनी अपनी जगह पर रह करके जो बाकी जितने इसके तरीके हैं उन सबको अडॉप्ट किया जाए। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हम पूरी तरह सत्र पालन कर रहे हैं, सब चीजें हमको उपलब्ध हो रही हैं समय पे और नीचे तक हम दे रहे हैं। साथ ही बॉर्डरों पे हमने जो स्टेट 12-13 स्टेट मैंने पहले ही आज से लगभग हफ्ता भर से पहले ही ये हमने फरमान जारी किया था कि उन स्टेटों में से जो लोग आएंगे वो नेगेटिव लेकर आए, नेगेटिव पहले ही अपना करा के आए और हमको दिखाएं, तभी वो स्टेट में आ पाएंगे। बाकी यहाँ ऐसा कोई वातावरण नहीं है, लेकिन जो बाहर से है उन पे हमें जरूर है, सख्ताई हमने की है। लॉकडाउन लगाना इस समस्या का समाधान नहीं है। हमने पिछले साल जो लॉकडाउन इसलिए लगाया था क्योंकि उस समय हमें यह नहीं पता था कि कोविड के सामने कैसे लड़ना है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए मेरा मानना है कि अभी लॉकडाउन, सिर्फ लॉकडाउन ही हमारे पास जरूरत नहीं है। और हम अभी 10 घंटा 20 शहरों में कर्फ्यू लगा रहे हैं, इसका मतलब 24 घंटे में से आधा दिन 10 घंटा
तो ये साइकिल तोड़ने के लिए काफी है। आज लॉकडाउन सरी की परिस्थिति महाराष्ट्र में है, लेकिन पूरा लॉकडाउन लगाने का इरादा महाराष्ट्र का नहीं है, अभी तक तो भी नहीं है। लॉकडाउन का थंब रूल पूरे विश्व में ऐसा है कि जब हमारी पूरे जो संसाधन है वो जब खत्म हो जाते हैं तो लॉकडाउन लगा के ब्रेक द चेन करके एक 15 दिन 3 हफ्ते का लोगों का एक दूसरों का मिलना अगर बंद होता है तो संक्रमण कम हो जाता है या संक्रमण नहीं होता है, यही लॉकडाउन का मुख्य अर्थ है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार आएंगे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं, वो सीएमडी है रेडिक्स हॉस्पिटल के। और डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ हैं, वो एचओडी है यूरोलॉजी रोबोटिक्स और रीनल ट्रांसप्लांट सफदरजंग अस्पताल के। सबसे बात करेंगे, उसके पहले एक बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है विजय रूपाणी सरकार को, गुजरात की सरकार को। यह कहा कि लोगों को इस समय ऐसा लग रहा है कि वो भगवान भरोसे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने छोटे छोटे लॉकडाउन प्लान किए हैं, हम बड़े लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहते। अभी आपने सुना उनको। लेकिन कोरोना की रोकथाम के मुद्दे पर अदालत नाराज है। सरकार के कामकाज के तरीके पर अदालत ने सवाल उठाए हैं और कहा कि लोगों को लग रहा है वो भगवान भरोसे हैं। 15 अप्रैल को इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी, जिसके पहले गुजरात हाईकोर्ट से रूपाणी सरकार को आज फटकार लगाई गई है। इस खबर पर आपको आगे अपडेट करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कुछ देर के लिए हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं, उनसे हम सीधी बात कर सकते हैं। दिनेश जी स्वागत है आपका आज तक पर। बहुत छोटे छोटे सीधे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। कोविड की दूसरी लहर कहर ढा रही है, आपका राज्य कितना तैयार है इसका सामना करने के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर मैं बताऊं आपको तो 2 मार्च 2020 में आगरा में पहला केस आया था और उस समय हमारे पास पे जांच कहां कराई जाए ये समस्या थी। हमने एनआईवी पुणे के लिए जांच के लिए पहला केस भेजा था और इलाज कराने के लिए उसे दिल्ली भेजा था। आज की स्थिति है कि हमने अपने इसमें परिवर्तन किया है। आज हमारे पास में अगर कहें तो 125 सरकारी और 104 निजी जो प्रयोगशालाएं हैं उसमें आरटीपीसीआर की चेकिंग हम करने में सफल हैं। अभी तक 1,25,000 से लेकर 1,50,000 तक की चेकिंग हमारी, टेस्टिंग हमारी हो रही थी। कल परसों का अगर देखा जाए 9 तारीख को तो ये संख्या बढ़ के 2,12,000 प्रतिदिन टेस्टिंग की हमारे होने लगी। इसका मूल कारण ये है कि पिछले जो वर्ष कोरोना का जो 2020 में मार्च में जो संक्रमण प्रारंभ हुआ था वो बढ़ते बढ़ते फिर एक स्थिति ऐसी आई कि मार्च 2021 में वो घटकर प्रतिदिन केवल 87 का केस के आसपास का एवरेज आया। 87 एक दिन में मार्च में 87 केसेज आए तो ये एक लगा कि अभी कोरोना की लहर समाप्त हो जाएगी। लेकिन अचानक एक महीने से भी कम समय में, यानी आज अप्रैल हम लोग 12 अप्रैल को बैठ रहे हैं, तो इस अप्रैल में ये संख्या अचानक बढ़ गई मात्र 15-20 दिनों में और ये 12,748 से ऊपर केसेस अचानक हो गए एक दिन में। तो ये एक संक्रमण का वो दौर है जो हमें डराने वाला है जी। और सरकार ने पूरी इसकी कोशिश कर रखी है कि हम अधिक से अधिक लोगों को इसके इलाज हम कर सके। 1.5 लाख के आसपास हमारे डेडिकेटेड कोविड बेड्स हमारे तैयार हैं। हमारा जो जांच इलाज का कार्य है उसको हमने विस्तारित किया है, ठीक है। और हमने इस बात की भी चिंता की है कि जो मृत्यु दर है हमारे इलाज के कारण ही वो अन्य जगहों की अपेक्षा। आप 1.5 लाख बेड की बात कर रहे हैं कि हमारे पास तैयार है, फिर अस्पतालों के बाहर से ऐसी दिल दहलाने वाली तस्वीरें क्यों आ रही है कि लोगों को जगह नहीं मिल रही? विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि पिछले एक साल में क्या तैयारी की सरकार ने। आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, 1.5 लाख से अधिक बेड्स हैं हमारे और ये 1.5 लाख से जो अधिक बेड्स हैं इनको हम और अधिक विस्तारित कर रहे हैं। आप अगर कुछ पर्टिकुलर जगह की अगर आप बात कर रहे हो, जैसे लखनऊ में कुछ स्थितियां आई थी, तो उसका मूल कारण होता है कि बुखार आने के बाद भी लोग पहुंच जाते हैं। जो आप भीड़ लगने की बात करते हैं केंद्रों पर, तो उनकी पहले टेस्टिंग कराई जाती है। टेस्टिंग के परिणाम आने में टाइम लगता है, तब तक लोगों को जो अलग से नॉन कोविड एरिया है उसमें रखने की बात करी जाती है, ताकि वो कोविड का जब रिजल्ट आ जाता है तब उनको कोविड का हम
इलाज कराते हैं, उनको पहले हम अलग से उनको एक सुरक्षित एरिया हर हॉस्पिटल में बनाया गया है, उसमें नॉन कोविड एरिया में उनको रखते हैं होल्ड करके, और जब रिजल्ट आ जाता है तो उसको हम फिर उनका इलाज शुरू करते हैं। इसलिए वो गैदरिंग कभी कभी दिखाई पड़ती है, ठीक है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। निजी क्षेत्रों में भी सरकार व्यय उठाने के लिए आगे आई है, और निजी क्षेत्रों में भी कई जगह नए सिरे से हमने क्वारंटीन सेंटर भी और जो हमारे इलाज करने के लिए जो देश में अधिकतम के 97,000 तक प्रतिदिन गए, लॉकडाउन लगा हुआ था देश में, आज 1.5-2 लाख तक केस जा रहे, आपको लगता है कि देश को एक और लॉकडाउन चाहिए? तो मैं देश के बारे में तो कोई अपना मंतव्य इसलिए एकदम से नहीं दे सकता कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक विश्लेषण करने वाली एक मजबूत टीम, अनुभवी टीम काम कर रही है, वो गुरुदोष के आधार पर इसका निर्णय लेगी। लेकिन जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्थिति का विश्लेषण किया है और अपने पास में उपलब्ध जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं और जो अभी तक का जो मरीजों के जो सिम्टम्स हैं, मरीजों को ठीक होने की भी प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है, घर में अगर कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो ठीक भी तेजी से हुए हैं, उसको देखते हुए अभी वर्तमान में हम कह सकते हैं कि अभी हमने कोई निर्णय लॉकडाउन का नहीं लिया है। और अभी तक का जो कल शाम को भी हमारी बैठक हुई थी, आज भी हमारी बैठक माननीय मंत्रीगण के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, कल श्री राज्यपाल महोदया के अंतर की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी और हम दोनों उप मुख्यमंत्री और विरोधी दलों के विपक्ष के माननीय नेतागण की बैठक अधिकारियों के साथ में हुई थी, और उसमें तमाम प्रकार के उपायों पर बड़ा समग्र चिंतन हुआ है। और मैं नहीं समझता हूं कि अभी लॉकडाउन पे कोई कोई जोर आया है। हमारी परीक्षाएं भी मई में हैं, उनको देखते हुए हमारी रणनीति क्या हो सकती है। हम जो हमारा ये चल रहा है जो जांच का उत्सव मानने के उत्सव मीन्स जो ज्योतिबा फूले जी की जयंती से और 11 से और 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का जो आयोजन है जी, ये मैं समझता हूं कि बहुत सफल है। 90 लाख से ऊपर लोग का टीकाकरण हो चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है। दिनेश जी, टीका उत्सव तो मन रहा है, लेकिन दो दिन पहले तक गाजियाबाद नोएडा के कई केंद्रों के बाहर नोटिस लग गए थे कि टीका है ही नहीं, अब है सब जगह टीके या नहीं है? देखिए, कुछ केंद्र ऐसे होते हैं हर जगह पे जहां भी इस प्रकार की शिकायत आई है उसको तत्काल दूर करने का काम हमारी जो इमरजेंसी इसको सर्विसेज को देने की टीम है उसने इसको पूरा किया है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, ठीक है, अगर किसी सेंटर पर जितनी वैक्सीन दी जाती है उससे अधिक लोग आ जाते हैं तो थोड़े क्षण के लिए थोड़े मिनट के लिए या थोड़े घंटे के लिए अगर वैक्सीन की कमी आती है तो तत्काल उसकी पूर्ति हो जाती है। दिनेश जी, एक और बड़ी चुनौती है, महाराष्ट्र से लोग वापस लौट रहे हैं बड़ी तादाद में, ट्रेनें भरी हुई आ रही है। दूसरी चुनौती है हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, लाखों लोग वहां पर आ रहे हैं, ऐसे में संक्रमण की रफ्तार को कंट्रोल कैसे करेंगे, क्या तैयारी है? देखिए, हरिद्वार से लगे हुए हमारे जैसे सहारनपुर का है, रामपुर है, मुजफ्फरनगर है, आसपास के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनमें टेस्टिंग की भी समुचित उपलब्धता है, हमारे जो पॉजिटिव केसेस का उपचार कराने की, कोविड के मरीजों के उपचार कराने की पर्याप्त व्यवस्था है, बेड भी हमारे पास में पर्याप्त उपलब्ध हैं, और मैं समझता हूं वैक्सीनेशन का कार्य भी वहां पर तेजी से काम चल रहा है, तो इस प्रकार की कोई भी शिकायत भी नहीं आई है और ना ही किसी प्रकार की चिंता अभी हम लोगों को वहां की बहुत ज्यादा है, लेकिन सतर्कता हम जरूर रख रहे हैं। और प्रदेश में भी जो हमारा काम है, हम भविष्य में पलायन हो सकता है ये मानकर हम अपनी रणनीति को तय कर रहे हैं। पिछली बार हमारा अनुमान से अधिक यानी 40 लाख लोग पलायन करके उत्तर प्रदेश में बाहर के श्रमिक आए थे, और हमने सबकी स्कैनिंग करने के बाद उनको क्वारंटीन करने का, उनकी चिकित्सा का, उनको 1,000 रुपए उनके खातों में पहुंचाने का, 15 दिन के राशन किट को उपलब्ध कराने का, ये सारा काम बगैर तैयारी के अचानक हमको करना था और हमने अचानक बड़ी सफलता पूर्वक किया था। जगह जगह पर उनके भोजन का भी व्यवस्था की थी। इस बार हम पूरी तैयारी से हैं, अगर कोई इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए, ये जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। हम बहस का रुख कर रहे हैं, हमारे साथ अजय कुमार हैं कांग्रेस से, हमारे साथ गौरव भाटिया हैं बीजेपी से, और दो डॉक्टर्स विशेषज्ञ कोरोना मामलों के वो हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। अजय कुमार साहब, 8 मुख्यमंत्रियों की बातचीत कल आज तक ने की,
एक सुर में सब कह रहे हैं कि नहीं लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब 1.5-2 लाख से ऊपर केस जा रहे हो, क्या आपको लगता है देश को एक और लॉकडाउन चाहिए? देखिए, पहली बात है रोहित जी कि लॉकडाउन या किसी तरह का निर्णय हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा लिया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि अगर हम ये स्थिति में पहुंचे हैं रोहित जी, तो पहला सवाल सरकार से ये बनती है कि 385 दिन हो चुके हैं जब से पहले बार, 385 दिन में हमारे भारत सरकार ने क्या तैयारी की कि हम लॉकडाउन की, आप पूछे कि लॉकडाउन की आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग स्थिति उत्पन्न जरूर हुई है, लेकिन हम सरकार से जरूर पूछना चाहेंगे जो 350 जब से मोदी जी के सरकार ने क्या किया है कि अब भारत में सभी शहर में हम लॉकडाउन के उपाय के बारे में सोचने लगे हैं। और लॉकडाउन तो आपने पिछला लॉकडाउन का स्थिति आपको याद होगा कि किस तरह का जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो बिना तैयारी के लॉकडाउन में जो है प्रवासी मजदूर जो मारे जाएंगे, किसी तरह के जो है सुविधाएं जो राशन से लेकर के किसी तरह की सुविधा जो है आम नागरिक को नहीं मिलेगी। ये जो इस आज के जो आंकड़े और इतने कई दिनों से जो आंकड़े आ रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से इस सरकार से तो जरूर ये सवाल हम लोग को पूछने चाहिए कि आप बताइए कि गुजरात में अगर मुख्य न्यायाधीश रोहित जी, मुख्य न्यायाधीश जी संज्ञान लेते हैं कि गुजरात में हेल्थ इमरजेंसी है, शमशान घाट का जो है लोहे पिघल गए, रेमडेसिविर आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन सीआर पाटिल जी के पास 5,000 रेमडेसिविर मिल गया है, तो ये सवाल पूरे देश को, हम सब लोग दुखी हैं और चिंतित हैं। और वैक्सीन के, अगर वैक्सीन के उत्सव में हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी वैक्सीन उत्सव में उपलब्ध रहेंगे, तो प्रधानमंत्री जी बंगाल में 3 रैली कर रहे हैं, गृह मंत्री जी कालिम्पोंग में हैं, और वैक्सीन उत्सव में रोहित जी आज का आंकड़े कहते हैं कि 29 लाख लोग। सर आवाज कट गई है, आज 29 लाख से आवाज आ रही है क्या? अब आने लगी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, फ्रीज हो गया था, बोलिए। आज वैक्सीन उत्सव के दूसरे दिन 29 लाख के आसपास के जो है टीके दिए गए हैं, ये आंकड़े बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वैक्सीन उत्सव से पहले हमने 40 लाख 43 लाख तक जो हमने जो वैक्सीन हमने टीकाकरण किया था, हर एक प्रदेश में किल्लत है वैक्सीन का। ये सरकार को मालूम था कि ये वैक्सीन की कमी होगी, ठीक है। आपके अपने आंकड़े कर सो, लास्ट में इतना ही कहूंगा कि दुनिया में 13 वैक्सीन के आसपास अप्रूव हो चुका है। जब हमने प्रश्न किया था, राहुल जी ने प्रश्न किया था, तो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि कमीशन के बारे में। आज हमें लगता है सरकार ने आपकी सुनी है। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं जरा सुन लेते हैं, उसके बाद गौरव भाटिया आपके पास आते हैं। एंड ए लॉट ऑफ फैक्टर्स आर टू बी अंडरस्टूड as shaping the overall health landscape. For example, more people are today in closer and regular contact with wild and domestic animals, both livestock and pets. And this is both a result of human population growth as well as the expansion of human habitation into new geographic areas. There is significant increase in the human-animal interaction at the domestic level, particularly through the adoption of animals as pets. And those who are pet lovers like me, for them the pets are like their own children, including otherwise these non-domesticated species also. Exotic food fetishes in many parts of the world and medicinal beliefs are also driving increased human entry into the animal space in the wild. Close contact with animals and their environments provides more opportunities for diseases to pass between animals and people. We all can appreciate that the earth has experienced a lot of changes in climate and land use, like deforestation and intensive farming practices, disruptions in environmental conditions and habitats. तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मीडिया से मुखातिब हैं। गौरव भाटिया, कुछ सवाल सीधे तौर पर अजय कुमार ने उठाए,
उनका कहना 385 दिन में देश ने क्या किया जो आज हमें फिर पूछना पड़ रहा है, दोबारा लॉकडाउन की नौबत है क्या? देखिए रोहित जी, आज भी एक राहुल गांधी का ट्वीट आया है और मैं जब आज पे आया हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है एक सकारात्मक भाव से चर्चा करूं, ना कि नकारात्मक भाव से जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं। तो मैं पुनः एक बात कहूंगा कि कोई भी प्रदेश हो, चाहे भाजपा शासित और चाहे कोई और अन्य पार्टी के शासित, वैक्सीन की कमी वहां नहीं होने देंगे। और कुछ दिन पहले जब आप ही के चैनल पे था तो हो हल्ला मचाया जा रहा था कि वैक्सीन महाराष्ट्र में खत्म होने जा रहे हैं, तब भी हमने एक बात कही थी कि और वैक्सीन वहां पे दिए जाएंगे और अब दिए भी जा रहे हैं। लेकिन दुख कब होता है मैं आपको बताऊं, अगर इनकी दिव्य ज्ञान से चलें तो भारत का क्या हाल है। यहाँ पे अजय कुमार जी ने कहा सरकार क्या कर रही है, अरे संविधान इतना तो राहुल गांधी पढ़ लें कि कम से कम सरकार केंद्र की भी होती है और प्रदेश की भी होती है। तो अगर राजनीति करनी हो तो हम भी कहें कि भाई महाराष्ट्र में पूरे देश के 35-40% जो सक्रिय केसेस हैं वो क्यों हैं, वहां पे 37-38% मौतें पूरे देश की क्यों हुई हैं, ये करा जा सकता है। राहुल गांधी से ये भी पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिकों पे आप प्रश्न लगाते हैं, आप मुझे ये बताइए आपने टीका नहीं लगाया, क्या ये इसलिए कि आपको वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं है। जब लॉकडाउन की बात आई महाराष्ट्र में तो अभी कह रहे हैं ये तो जो विशेषज्ञ है वो तय करेंगे। जब नरेंद्र मोदी जी ने देश हित में ये फैसला किया था रोहित जी, आप याद करिए अप्रैल 2020 का राहुल गांधी के शब्द हैं, लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन, लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन। तो क्या आज हम भी राजनीति करें? मेरा सिर्फ इतना कहना है चाहे वो वैक्सीन हो चाहे वो तालमेल बनाने की बात हो राज्य की सरकारों से, हम तालमेल बना के कार्य करेंगे और कहीं भी वैक्सीन भी मिले ये भी सुनिश्चित करना है, और साथ ही साथ जो बेसिक चीजें चाहिए अस्पताल हो, नर्सेज हो, वेंटिलेटर हो, दवाइयां हो, ये सब भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, केंद्र सरकार तत्पर है। दुख ये होता है बाटिया जी, अभी अभी गुजरात हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है गुजरात की सरकार पे कि सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। ऐसे में सवाल तो पूछना पड़ेगा ना कि एक साल में क्या किया अगर भगवान भरोसे छोड़ना था। लेकिन उसके पहले दो डॉक्टर्स मेरे साथ हैं, मैं पहले उनसे एक एक कमेंट ले लूं उसके बाद वापस आता हूं, क्योंकि आप दोनों लोग राजनीतिक कमेंट करेंगे, लेकिन दोनों डॉक्टर्स से कम एक सीरियस कमेंट चाहता हूं। डॉक्टर रवि मलिक, क्या देश को वाकई एक लॉकडाउन चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आंकड़ों को देख लेते हैं, आज से एक महीना पहले यानी 8 मार्च को 16,000 केस रोज हो रहे थे और आज 1,70,000 के करीब यानी कि 10 गुना आंकड़ा बढ़ गया एक महीने के अंदर। अगर इसी तरह से आंकड़े आगे बढ़ते हैं तो पूरा देश व्यापी लॉकडाउन ना भी हो लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं कंटेनमेंट के लिए लॉकडाउन, लोगों की मृत्यु बचाने के लिए हमें करना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि अगर 1,70,000 केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं और हम केवल 1% भी मॉर्टेलिटी लगा दें तो भी 1,700 केसेस इनमें से जो हैं उनकी दुखद मृत्यु हो सकती है। तो हमें ये खास ध्यान रख के चलना है कि केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हमें जो है पूरा अगर लॉकडाउन ना भी देशव्यापी लगाना पड़े लेकिन हमारे को कंटेनमेंट जोन्स के अंदर लॉकडाउन, और देखा जाए तो लॉकडाउन शुरू हो गया, अगर वीकेंड लॉकडाउन लग गया है महाराष्ट्र में और कई जगहों के ऊपर या नाइट कर्फ्यू या नाइट लॉकडाउन लग गया तो वी आर स्टैंडिंग एट अ प्री लॉकडाउन स्टेट। और कहीं पर भी एक मैं चीज बताना चाहूंगा जिसको कहते हैं कि पोस्ट वैक्सीनेशन ओवर कॉन्फिडेंस सिंड्रोम। मैं अपने अस्पताल में वैक्सीन भी लगाता हूं, मैंने देखा जब से वैक्सीन आई है कहीं ना कहीं लोगों को भी जो है एक तरह का ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है कि शायद हमारा बचाव हो गया, जबकि अभी हमारी हर्ड इम्यूनिटी बहुत बहुत कम है। माना कि 10 करोड़ वैक्सीन दी गई हैं लेकिन अभी भी हर्ड इम्यूनिटी जो है वो नेग्लिजिबल है। तो डॉक्टर साहब सवाल यही है ना कि इस सिंड्रोम से बचने के लिए भी और जो लगातार फैल रहा है कोविड उसको रोकने के लिए भी क्या लॉकडाउन ही केवल एकमात्र रास्ता है? क्या देश को चाहिए एक और लॉकडाउन? अजय कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता, गौरव भाटिया हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनूप के पास चले, उसके पहले सईद अंसारी मेरे सहयोगी, कोरोना इंडिया डैशबोर्ड के जरिए आपको दिखाएंगे कि असल में ऐसी नौबत क्या आई है सईद के लॉकडाउन की बात करनी पड़ी। चिंताजनक है, आंकड़े जो हैं वो बुरी तरह से डराते हैं। हम अपने दर्शकों को और आपको बताते हैं, देखिए कोरोना इंडिया डैशबोर्ड ये हमने एक इंतजाम किया है आज तक ने, और यहां पर हमारे पास
सारे के सारे आंकड़े हैं पूरे के पूरे जो कोरोना की स्थिति। पहले हम दुनिया की बात कर लेते हैं कि दुनिया में हर रोज कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, डेली वर्ल्ड अपडेट। अगर दुनिया में कोरोना केसेस की बात करें तो हर दिन वहां पर कितने केस आ रहे हैं, लेकिन यहां सबसे गंभीर और डराने वाली बात यह है कि भारत सबसे आगे है। आज यानी कि 12 अप्रैल को 168,912 कोरोना पॉजिटिव केसेस हमें मिले हैं, ये बहुत ज्यादा डराता है। हालांकि टर्की और यूएस हमारे बाद हैं, ब्राजील और नीचे चला गया है, लेकिन यहां हम सबसे आगे हैं, ये बहुत ही बहुत गंभीर बात है। लेकिन अब अपने देश की बात कर लें कि हमारे देश में कौन से ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, तो हम आते हैं इंडिया अपडेट पर। इंडिया अपडेट में हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये कंफर्म केसेस हैं 1,35,27,717, लेकिन जो मरने वालों का आंकड़ा है वो आंकड़ा 1,70,209 तक अभी तक पहुंच चुका है। हालांकि यहां देखिए रिकवर्ड यानी कि जो ठीक होने वाले लोग हैं उनका आंकड़ा भी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जो राज्य है वो राज्य है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में देखिए दो लाइनें, हम 20 मार्च से लेकर आज तक का यानी कि 12 अप्रैल तक का आपको सारा डेटा दिखा रहे हैं, सारे आंकड़े दिखा रहे हैं, और ये ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगस्त तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अप्रैल में आकर ये 2021 की हम बात कर रहे हैं एकदम से ऊपर चला जाता है। इस वक्त कंफर्म केसेस 34,07,242 है, लेकिन 57,987 मौतें हो चुकी हैं, ये सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद आप आइए दिल्ली, दिल्ली में देखें क्योंकि दिल्ली महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित है, और यहां पर भी देखिए ये जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज की स्थिति ये है कि अभी तक 11,283 यहां पर मौत हो चुकी हैं और कंफर्म्ड केसेस 7,25,197 अभी तक दिल्ली में हो चुके हैं, ये हमें डराता है। हम जल्दी से आपको दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी दिखा देते हैं। ठीक है, ग्राफ एक बार फिर से देखिए ऊपर जा रहा है, 9,152 मौतें अभी तक यहां हो चुकी हैं, ये आज की हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम जल्दी से यहां पर आए, देखिए सारा है, छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा प्रभावित है, हम अगर इसमें ढूंढें तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के आंकड़े आप देख लीजिए, आज 12 तारीख है, 4,184 अभी तक मौतें हो चुकी हैं, 3,38,145 अभी तक के कंफर्म केसेस आ चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि सरकारें जो हैं, राज्य सरकारें, वो अपना काम कर रही हैं, बैठकें कर रही हैं, कोरोना पर काबू करने की कोशिश कर रही हैं रोहित, लेकिन आपको और हमें यानी कि इस देश की जनता को भी, हमारे देश के लोगों को भी कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क बहुत बहुत शुक्रिया जरूर लगाना है, तभी हम भागीदार बन सकते हैं कोरोना के साथ इस युद्ध में और इस लड़ाई को जीत सकते हैं। बहुत शुक्रिया सईद, फिलहाल ये तस्वीर दिखाने के लिए, आंकड़ा बताने के लिए। डॉक्टर अनूप कुमार, लॉकडाउन ये रास्ता लगना चाहिए लॉकडाउन, आपको लगता है? देखिए रोहित जी, लॉकडाउन हमने एक साल पहले जब लगाया था उस समय परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी, बीमारी नहीं थी, हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं थी, हमारे पास पीपी किट्स नहीं थी, सैनिटाइजर नहीं था। अब एक साल में आप देखें, जनता के सहयोग से सरकार ने इस बीमारी को ऑलमोस्ट हरा दिया था। मार्च तक हम देखें तो हम बिल्कुल उसको हरा चुके थे, सिर्फ एक महीने में ही ये नंबर इतने बढ़ गए हैं। तो कंप्लीट लॉकडाउन का सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है हमारी संयम, हम फिर से उसको वापस लाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, लोगों को ये डर वापस आना चाहिए कि कोरोना बहुत विकराल रूप ले चुका है और अपने जो हमारे प्रिकॉशंस हैं उसको हमें फिर फॉलो करने पड़ेंगे। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट का जो 3 T's हम मंत्र देते आए हैं, उन्हीं सब 360 डिग्री अप्रोचेस से, वैक्सीनेशन से हम लोगों ने इस बीमारी को पहले भी हराया। पर डॉक्टर साहब, ये सब तो हो रहा है ना, टेस्टिंग भी हो रही है, ट्रैकिंग भी हो रही है, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, लेकिन अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हैं सर, अब तो नौबत आ गई, बिस्तर बाहर रखने पड़ रहे हैं। बिल्कुल रोहित जी, बीच में ये सब नंबर कम हो गए थे, कई स्टेट्स में टेस्टिंग कम हो गया था, ट्रैकिंग कम हो गई थी, और आप देख ही रहे कोविड बिहेवियर तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो ये मेन कारण था जिसकी वजह से ही ये नंबर एकदम से बढ़े हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है, बाकी बहुत कंट्रीज में भी हुआ है। कंप्लीट लॉकडाउन लगाना इसका बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है कि जनता को खुद जागरूक होकर, इसमें वो लास्ट रिजॉर्ट होगा अगर हम सारी हमारी कोशिशें फेल हो जाए और हमारी सारी जो प्रयास है सरकार के वो फेल हो जाए, तभी हम लॉकडाउन की तरफ जाए। उसके पहले हमें सारी चीजों को पहले यूज करना चाहिए, तभी हम लॉकडाउन के लिए सोचे। आपको लगता है कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, आपकी व्यवस्थाएं जो देश की हैं वो दुरुस्त हैं, लोग भले ही अस्पतालों में लाइनों में खड़े हुए हैं, वहां नंबर नहीं आ रहा, भले प्लाज्मा नहीं मिल रहा, भले वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, भले ऑक्सीजन नहीं मिल रही, भले रेमडेसिविर नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी सब कुछ कंट्रोल में है?
रोहित जी, जो स्टेट्स, जो जिले जिसमें ऐसी कंडीशंस हैं, वहाँ लोकलाइज्ड कंटेनमेंट कर सकते हैं, बट पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप जहां जहां एरियाज में ज्यादा बढ़ रहे हैं, उस एरिया में रेड जोन डिक्लेयर करके आप उसको कंटेनमेंट जोन और वहां पर लोकलाइज्ड रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन पूरे भारत वर्ष में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बोलिए डॉक्टर अजय कुमार, आ रहा हूँ रवि जी, एक सेकंड आप बोल लीजिए रवि जी, पहले फिर डॉक्टर साहब अजय कुमार के पास जाता हूँ। बोलिए रवि जी। देखिए, सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा, लॉकडाउन ऑप्शन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन एक कंपल्शन हो सकती है अगर लोगों की मौतें इसी तरह से होती रही, आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे। पिछले 10 दिन में अगर हमने, पिछले एक महीने में अगर हमने 10 गुना केसेस बढ़ा लिए और आगे वाले एक महीने में भी हम 5 गुना भी केस बढ़ा लेते हैं, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। ये कंपल्शन है, केस बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है? मौतें हो रही है, हमें मौतें रुकनी पड़ेगी। आप सारे ठीकरा जनता के ऊपर फोड़ रहे हैं। जनता ने अनलॉक की गाइडलाइंस को फॉलो किया, एक नहीं दो नहीं पांच चरणों में अनलॉक हुआ, लोगों ने उसी को फॉलो किया। अब यह कहा जा रहा है कि लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो आप देखिए, रात को तो हम कर्फ्यू लगा रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, दिन में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, प्रॉपर हम सोशल कोविड बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी इसके अंदर जो है लैक्स हो गई है, शायद वो थक गए हैं। ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार बोलिए। रोहित जी, पहला सवाल ये कि अगर हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं तो कमी कहां हुई है और ये सरकार इसको मानने को तैयार नहीं। हम सुन रहे थे कि हमारे बीजेपी के साथी इस तरीके से टिप्पणी करते हैं, मैं तो सिर्फ एक ही सब, ये हम नकारात्मक सोच नहीं है, क्योंकि जब हमने कहा था वैक्सीन की चेकअप, वैक्सीन का अप्रूवल बढ़ाइए, तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी कहते कि आप कमीशन ले रहे हैं, जब ये अप्रूव करते तो क्या कमीशन ले रहे क्या? तो इस तरह की जो ऊंचे टिप्पणी हम नहीं करेंगे, लेकिन आप बताइएगा कि रेमडेसिविर अगर पूरे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर रेमडेसिविर अगर 5,000 किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बांट रहे हैं तो वो गलत बात। वेंटिलेटर की किल्लत हो रही है, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, आप वैक्सीन की किल्लत हो रही है, और 385 दिन को आपके पास था इस तैयारी को, इस पूरी तरह से तैयारी करने के लिए। अब हमें सबसे बड़ी डर क्या, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है रोहित जी, आप बताइएगा कि ये भारत ने सबसे कम सहयोग किया था अपने जनता को, सबसे कम, और आपके माध्यम से मैं सबको जानकारी देना चाहता हूं कि इस देश में 3.2 करोड़ मध्य वर्ग के परिवार के लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे चले गए पिछले एक साल में। सरकार के तरफ से मदद नहीं, सरकार के तरफ से वैक्सीन नहीं, सरकार के तरफ से वेंटिलेटर नहीं, प्रधानमंत्री केयर फंड का पारदर्शिता नहीं, और हम नकारात्मक हैं, और हम नकारात्मक हैं। आप बताइएगा कि जिसको जिम्मेदारी गई है इस देश के, और आप बोल रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग और उसके उदाहरण जो है पूरी तरह से, हम चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी अगर इस भयावह चुनौती के सामने एक वॉर रूम बिठाते, उस वॉर रूम में सभी लोग साथ में काम करते, लेकिन ये तो अलग वॉर रूम हो गया, ये बंगाल चुनाव का वॉर रूम दिखाई दे रहा है, कोरोना के खिलाफ वॉर रूम नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो सवाल वाजिब है ना, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री कुछ अलग ब्रीफिंग करते हैं जब प्रधानमंत्री जी बैठक लेते हैं, और प्रवक्ता और राहुल गांधी जी अलग बात करते हैं। और सही कहा जॉय जी ने कहा इनके पास 385 दिन थे, तो मैं दो भाग में अपनी बात को बांटूंगा। 385 दिन थे ना, जब पहले दिन कोरोना वायरस से हमारा देश लड़ रहा था तो एक टेस्टिंग लैब थी, आज हर जिले में टेस्टिंग लैब है। दो स्वदेशी वैक्सीन निर्मित किए हैं, और उनमें से एक वैक्सीन को छत्तीसगढ़ और पंजाब ने, रोहित जी, कहा था हमें मत दीजिए। अगर इनकी बात मानी होती तो सोचिए कि क्या हाल होता। शशि थरूर ने तो यहां तक कहा कि कह दिया था कि पहला वाला जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसको भी मंजूरी क्यों दे रहे, और कोवैक्सीन तो खतरनाक हो सकता है। तीसरी बड़ी बात, 5,000 टेस्ट होते थे एक साल पहले, अप्रैल का ही आंकड़ा दे रहा हूं, आज 12 लाख से 13 लाख टेस्ट रोज हो रहे हैं, 30 लाख से लेकर 40 लाख तक वैक्सीनेशन रोज हो रहा है, ये हमने किया है 385 दिन में। अब आप जानिए कि आपने क्या किया है, आपने कोवैक्सीन पे ही सवाल उठा दिए थे, ये सकारात्मक बात है क्या? राहुल गांधी ने अभी तक टीका नहीं लगाया, राहुल गांधी ने कितनी बैठक ली है मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस शासित राज्य के, जरा ये भी बता दीजिए। अच्छा, टीका उत्सव नाम दे दिया रोहित जी, तो इनके पेट में दर्द हो गया। अरे, किसी भारतीय की जान बचेगी तो उत्सव नहीं है तो वो क्या है? ठीक है, और आप मुझे बताइए उद्देश्य और नियत नहीं देखी इन लोगों ने
बस इनको उत्सव शब्द से नफरत हो गई। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि क्या आप राहुल गांधी से ये कभी पूछेंगे कि वो ड्राइविंग सीट में आए कि नहीं महाराष्ट्र में? और अंत करूंगा ये बात कह के, गांधी नहीं मैं सबसे बड़ी बाधा हूं, तभी 50 साल का अपरिपक्व बालक कहलाता हूं, क्योंकि हर बात में नकारात्मक बात, हर बात में आलोचना, आज तक सकारात्मक बात राहुल गांधी के मुंह से नहीं निकली। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश को कहा कि राज्यों को बिना इस बात की चिंता किए टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए कि कल को कोई ये कहेगा कि तुम्हारे यहाँ केस ज्यादा क्यों आ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक बहस जब होती है तो प्रवक्ता तो ये सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल अजय जी, अजय जी, सवाल पूछा है मैंने, उत्तर लीजिए। हाँ, उत्तर ले रहा हूँ, समय बचा हुआ है, उत्तर ले रहा हूँ। अजय जी बोलिए। एक चीज है कि बीजेपी के एक चीज है कि गौरव जी हो या कोई भी प्रवक्ता हो, ये उम्मीद करना कि किसी तरह की शालीनता बहस में होगी वो जो है असंभव है। गाली गलौज है ना, बोलने दीजिए। अरे अरे गौरव भाटिया जी, थोड़ा शिष्टाचार सीखिए, शिष्टाचार है ही नहीं। अरे यार आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, तीन सवाल आप बोलिए, बोलते रहिए। शिष्टाचार के उत्तर शिष्ट आप पूछिए इनसे, महाराष्ट्र की है दयनीय हालत किसने करी? अरे रोहित जी, जवाब देने दीजिए उनको, उनको जवाब देने तो दीजिए। दिक्कत क्या है करने की? कोई आप सुन तो लीजिए फिर, मेरी पार्टी पे आप सुन तो लीजिए। अजय जी आखिरी समय बहुत कम है, अजय जी 20 सेकंड केवल बोलिए। क्या है कि जब महाराष्ट्र में केसेस पड़ते हैं, आप गुजरात में बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, अगले टीवी शो में इनको बुला दीजिएगा। इस तरह की ऊंची टिप्पणी जो है ना भाजपा ही कर सकती है कि यहां पर ज्यादा कोरोना हो गया, वहां पर स्थिति खराब है, परसों इनको बुलाइए। इस तरह के बातचीत टीवी चैनल में जो देशवासी, महाराष्ट्र के लोग भी तो इस देश के नागरिक हैं। नहीं, पहले बात सुन लीजिए और दूसरी बात है कि देश में कर्नाटक में बढ़ रहा है, हम थोड़ी बोल रहे कि कर्नाटक में स्थिति खराब है या यूपी में खराब है। सुनने का क्षमता रखिए मिस्टर गौरव भाटिया, सुनने का क्षमता रखिए मिस्टर भाटिया, सुनने का क्षमता रखिए। मैं सुन रहा था ना, मैंने सुना आपकी बात, आप हमारी बात सुनिए। चलिए सर, समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि देश की जनता राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को ऐसे समय में जबकि कोरोना से लड़ना चाहिए आपस में लड़ते हुए देखें। लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन नहीं तो कम से कम एक रणनीति उनको दिखाई दे और उस रणनीति से नतीजे दिखाई दे। दंगल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या अब लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं? आपके जो जवाब हमें मिले, 56% लोगों को लगता है हां, जबकि 44% लोगों का कहना है नहीं।